आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर खट्टा, और उसके लिए मुझे चाहिए 1/2 kg टमाटर, 10 पीस खजूर, 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ नारियल, और थोड़ा अदरक, हल्दी, 4 चम्मच चीनी, और थोड़ा जीरा 1 चम्मच, और ये सूखा मिर्ची 1, और इसमें से 1 सूखा मिर्ची, 4-5 गोलमरीच, और 2 दालचीनी, और 1/2 स्पून पंचफोरन, और ये ऑयल और नमक। कढ़ाई गर्म हो गया, अभी ये जीरा और सूखा मिर्ची पहले हम भून लेते हैं। इसको भून लेते हैं, इसको हम मसाला बनाएंगे कूट के। अभी हम ऑयल डाल देते हैं, दालचीनी, गोलमरीच, सूखा लंका, फिर पंचफोरन, तेज पत्ता, ये सब चटकने लग गया। अभी इसमें हम अदरक डाल देते हैं, फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर टमाटर, गैस को हमने लो से मीडियम फ्लेम में रखा। इसमें अभी हम नमक डाल देते हैं, और 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। देखिए ये अभी 5-7 मिनट के अंदर कितना पानी निकल गया इसमें, और टमाटर भी नरम होने लग गया है। अभी टमाटर को थोड़ा हम ऐसे प्रेस कर देते हैं, और इसमें हम खजूर डाल देंगे, और नारियल, चीनी, इसमें आप काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, वो तो ऑप्शनल है, घर में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, और गुड़ का साथ भी बना सकते हैं। और इसमें हम 1/2 कप पानी डाल के इसको फिर कवर करके 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे।
देखिए ये कितना अच्छा से पूरा बन गया। टमाटर भी बिल्कुल अच्छा से पक गया है और पानी भी इतना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना इसमें। और इसमें हम भुना हुआ मसाला डाल देते हैं। और एक मिनट के लिए फिर से कवर करके रख देते हैं। देखिए ये अभी पूरा बन गया, पूरा रेडी हो गया। इसको अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और आप रोटी का साथ, परोठा का साथ, चावल का साथ, किसी का साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अभी आप अपना घर में बनाइए, खाइए और कैसे लगा मुझे बताइए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।